जहां तक आवाज जा रही है, वहां मौजूद मेरी माओ बहनों और छोटे बच्चों, मैं अब्बास बिन मुख्तार अंसारी आप सबकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूं, अपना प्रणाम पेश करता हूं। आप सबका जोश खरोश देख के इस बात का एहसास होता है कि इस बार आप सब मन बनाए हुए हैं। छह चरणों का चुनाव हो चुका है और इस छह चरणों के चुनाव के परिणाम ने यह बात साबित कर दिया है कि गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुमत से बनने जा रही है। और ये सातवें चरण का चुनाव इस पूर्वांचल की सरजमीं पर होने जा रहा है। यहां मौजूद सभी आप जानते हैं कि ये पूर्वांचल की सरजमीं शहीदों की सरजमीं है, वीरों की सरजमी है, संतों की सरजमी है, तो उलमाओं की सरजमी है। आपने यहां कभी भी किसी भी सांप्रदायिक सामंतवादी मनोवादी विचारधारा के सत्ता को कभी भी यहां पनपने नहीं दिया है, न ही कभी आपने संविधान विरोधी ताकतों को यहां पर पनपने की इजाजत दी है। आज सत्ता में बैठे लोग सत्ता के घमंड में चूर होकर के जिस तरीके का दबाव प्रदेश की जनता के ऊपर, खास तौर पर मेरे नौजवान साथियों के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मुझे मालूम है कि आप सब में गुस्सा भरा हुआ है। यहां भारी मात्रा में नौजवान साथी आपसे वादा करने वाली ये सत्ता में बैठे लोग जो आपको रोजगार का वादा देकर सत्ता में तो आ गए थे, मगर पांच सालों में आपने जो अपनी मेहनत मजदूरी से जो नौकरियां भी पाली थी, उन नौकरियों को भी आपसे छीनने का काम किया। मुझे याद आता है जिस तरीके से आप भाइयों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, आपके ऊपर मुकदमे लगाकर आपके भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम किया है। हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जल्द ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के आपकी समस्या का भी समाधान करेंगे। आपकी जो भर्ती पिछले पांच साल से बंद है, उस भर्ती को भी खोल करके आपके घरों में रोजगार देने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, शिक्षक संघ से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस बार लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को यह बात एहसास कराने की जरूरत है कि जब जब कोई सत्ता में बैठेगा, दमनकारी सोच रख के जनता उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। ये विनाशकारी लोग मंचों से जनता को डराने का काम करते हैं। ये पांच साल इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ छल और कपट किया है। अब हिसाब किताब का समय आ गया है। 7 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, 7 तारीख को अपने मत का प्रयोग कीजिए। यहां घोसी विधानसभा से हमारे चाचा दारा सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं साइकिल के निशान पर। भारी से भारी मात्रा से वोट देकर के उनको विजयी बनाइए, आपका एहसान होगा हम सब पर। यहां पर बगल की सीट है, उमेश पाड़े चाचा चुनाव लड़ रहे हैं मधुबन की सीट से। मैं आप सबसे मधुबन के आए हुए साथियों से अनुरोध करता हूं कि जी जान लगा दो। इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट की बौनी नहीं होनी चाहिए। बगल में गोहनामा अहमदाबाद की सीट है, हमारे रजिंदर चाचा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, भारी मतों से उनको भी जिताइए। और मऊ, आप सब जानते हैं कि मऊ की सरजमी ने कभी भी किसी भी सांप्रदायिक और सामंतवादी विचारधारा की ताकत को वहां पर पनपने नहीं दिया है, और इस बार तो इतिहास रचने जा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश भैया का आशीर्वाद है, आदरणीय ओम प्रकाश चाचा का आशीर्वाद है। इस बार जितना वोट भाजपा पाएगी, उससे ज्यादा से चुनाव जिताकर इनके मुंह पर काली खोद कर एहसास करा दीजिए, एहसास करा दीजिए।
कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग जी सकते हैं जो लोगों का सम्मान और मान सम्मान की लड़ाई लड़ना जानते हैं। वक्त कम है, मंच पर बैठे मेरे सभी आदरणीय बड़े बुजुर्गों को मैं अपना कीमती समय देते हुए आप सबसे एक इजाजत चाहता हूँ। मेरे साथ एक नारा लगा करके यहाँ मंच पे बैठे सभी नेताओं को ये बात का ज्ञात करा दीजिए कि आप यहाँ आए हो तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने आए हो। हमारा बटन कहाँ दबेगा, हमारा बटन कहाँ दबेगा? अखिलेश यादव जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, संजय चौहान जिंदाबाद, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।